नमस्कार दोस्तों, रेव कंटेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आइडिया एयरटेल वोडाफोन को आप कैसे जियो में एमएमपी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं उदाहरण के तौर पर आपको केवल आइडिया का बताऊंगा एमएमपी करके, उसी के द्वारा आपको सभी सिम को एमएमपी करना जान जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेन्यू बार पर आएंगे दोस्तों, उसके बाद जियो पॉस पर क्लिक करेंगे और जियो पॉस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से लॉगिन करेंगे। यहाँ आपका पासवर्ड जो भी है जियो पॉस का उसको दे दें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ओके पर आपको लॉगिन चले जाना है। जहाँ तीर के निशान दिखाई रही है वहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लेंगे और फिर यहाँ थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है जहाँ तीर के निशान है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और मोबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ तीर के निशान जहाँ जहाँ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप कलेक्ट करते जाइए दोस्तों, आपका प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए हम मोबिलिटी पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर डन पर हम क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर में डिजिटल केवाईसी आधार लिखा है तो उसको भी एक बार सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट को करना है। तो वहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आएगा दोस्तों। पेज आने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसके लिए आप फोटो यहाँ पर लेना है, बैक साइड और राइट साइड। मेरे पास आधार कार्ड है तो हम फ्रंट साइड पहले फोटो के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में हम आधार कार्ड का फ्रंट साइड आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर फोटो कैप्चर के लिए यहाँ नीचे चक्री जैसा दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको क्लिक करना है जहाँ तीर के निशान आ गई है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक कैप्चर हो जाएगी और कैप्चर के बाद में आपको बैक साइड पर फिर बैक साइड पर आपको क्लिक करने के लिए फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ चक्री जैसे आपको दिखाई दे रही है अच्छे से आप इसको देख लें अपने पोजीशन, उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करें। चक्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये भी फिल हो जाएगी दोस्तों और फिल होने के बाद में आपको यहाँ नीचे में देख रहे हैं वहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले हम आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं, आप देखना चाहेंगे फोटो कैसे आई तो उसके लिए देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर में क्रॉस का है वहाँ पर क्लिक करें, फिर बैक आ गए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ गए। यहाँ पर आपको आधार को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में दोस्तों आधार को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कस्टमर का फोटो लेना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इंसान जैसे प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको क्लिक करेंगे और इस तरह से कस्टमर का फोटो आपको लेना है। और फोटो लेने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो जाती है और फिल होने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह से आपको हम नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और दूसरे पेज पर आप चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों बार कोड को आपको स्कैन करना है आधार कार्ड का, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और जैसे बार कोड को आप नहीं भी फिल करते हैं या यहाँ पर फोटो कैप्चर नहीं करते हैं दोस्तों तो आपको एक एक करके भरना पड़ेगा, तो उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम ऑटोमेटिकली बार कोड के द्वारा इसको फिल कर लेते हैं। आप भी इसी तरह कीजिए और आधार कार्ड को चुने क्योंकि इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी बार कोड के जरिए। यहाँ पर दोस्तों आप कस्टमर से एक अल्टरनेटिव नंबर लें जिसको आपको यहाँ पर डालना है, जिसके द्वारा एक ओटीपी आएगी उसको आगे चल के आपको प्रोसेस में दिखाई जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ले लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आएगा, यहाँ पर प्रीपेड को आपको सेलेक्ट करना है और प्रीपेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्लान सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों एमएमपी जब भी करें तो यहाँ पर आपको रिचार्ज नहीं करना है, आपको जीरो प्लान को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर तीर के निशान में आपको दिखाई दे रही है इस जीरो प्लान को आपको एमएमपी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, जीरो एमएमपी प्रोडक्ट। उसके बाद में दोस्तों यहाँ रेफरल कोड पर आपको जाना है, फिर वहाँ पर आपको 1 से 8 तक डालने के बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रही है UICC जहाँ तीर के निशान है वहाँ पर आपको सिम का स्कैन लेना है दोस्तों, उसके बार कोड को, उसके बाद में यहाँ पर सिम का नंबर आ जाएगा, UICC कोड आ जाएगी, तो दोनों को आपको फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आपको MMP चुनना है क्योंकि आप आइडिया को जियो बनाने के लिए MMP कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको जो उस नंबर को आप आइडिया की है उसको पोर्ट करके जियो बना रहे हैं उस नंबर के यहाँ ऊपर में डालना है। उसके बाद में जहाँ पर नीचे UPC कोड लिखा है तो जो आपके मैसेज आपने आइडिया के सिम में भेजा था उस मैसेज को उसके नीचे में फिर फिल करना है। और तीसरा नंबर जो UPC जनरेट डेट है तो जिस डेट को आप UPC को कन्वर्ट करने चाह रहे हैं जो कि आपकी आइडिया है उसको जियो में, उस डेट को आप यहाँ पर डालेंगे नीचे तीसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आप डालने के बाद में दोस्तों इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। और तो मैं यहाँ पर UPC कोड अभी डाल रहा हूँ और डालने के बाद में दोस्तों इसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी के तहत है, इसलिए मैं इसको धुंधला कर दिया हूँ। कृपया करके आप इस तरह से इसको भर लें। उसके बाद डेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तीसरा नंबर की तो वहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है, जहां तीर के निशान आपको दिखाई देगी वहां पर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको आइडिया चूज करना है और आइडिया स्पाइस जीएसएम को क्लिक करके फिर सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये फिल हो जाएगी और फिल होने के बाद यहाँ नीचे वाला ऑप्शन नो पर आपको क्लिक कर लेना है, जहाँ तीर के निशान, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज पर चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको जो नंबर आपने वहाँ पर अल्टरनेटिव कस्टमर का दिया था उस नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उसको यहाँ पर आपको डालना है, जो कि कस्टमर ओटीपी लिखे हुए हैं और नीचे आपको एजेंट ओटीपी दिखाई दे रही है वहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, जहाँ पर मैंने लाल कलर की पट्टी में आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर पहले से फिल हो जाएगा, आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं, तो आपके लैपटॉप में वो आ जाएगी दोस्तों। यहाँ कस्टमर का मैं ओटीपी बन डाल दिया हूँ और नीचे में चेक बॉक्स में साइन को आपको क्लिक करेंगे, फिर इसको ओके कर लेंगे तो साइन किया हुआ यहाँ पर नीचे एजेंट का में आएगा, फिर इसको ओके कर देंगे और ये क्लियर हो गई दोस्तों। चेक बॉक्स में जब भी आप क्लियर करेंगे तो हरे कलर के ये कलर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों सिम के जो लास्ट 5 जो UCCI का जो कोड रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा है ICCID का जो लिखा है, सॉरी दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर वैलिड उस नंबर को डालने के बाद फिर प्रोसीड पर यहाँ क्लिक करना है और ये सक्सेसफुली आपकी हो जाएगी और ये भरी हुई हो गई है, आपकी MMP प्रोसेस पूरी हो गई। बैक चले जाना है दोस्तों, बैक जाने के बाद में कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और कुछ देर अपलोडिंग प्लीज़ अपलोडिंग करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज आने वाली है, जो कि आगे आपको दिखाई जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों ये पूरी तरह से हमारे ऑर्डर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, तो फिर उसके बाद डन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।